हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद राघवेंद्र, एनआईएस कोच। आज हम बात करेंगे कि हिट कैसे मारते हैं, मतलब कि लॉफ्टेड शॉट कैसे खेलते हैं, सिक्स कैसे मारते हैं। पहले क्या इसको लॉफ्टेड शॉट बोला जाता था, मगर अब कि क्रिकेट में इसको हिटिंग, पावर हिटिंग बोला जाता है। और ये देखेंगे कि काफ़ी इंटरटेनिंग शॉट होता है, खूब तालियां मिलती है इस पर जब छक्के लगते हैं। तो इस शॉट के बारे में हम बात करेंगे कि कैसे हमें इस शॉट को खेलना चाहिए और क्या हमारी टेक्निक होनी चाहिए। बहुत से बैट्समैन ये सोचते हैं कि इसमें हमें पावर से खूब मारना है, मगर वो गलत है। आपको इसमें पावर कम, आपको स्पीड टेक्निक ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि आपका शॉट अच्छा जाए और इस पर आपको सिक्स मिले ही मिले। तो इसके बारे में अपन बात करेंगे कि कैसे हमें ये शॉट खेलना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो हमें कोशिश करना है कि हमें ये टारगेट रखना है कि हमें सामने को ट्राई करना है मारने के लिए, हमें मिड विकेट या इधर नहीं, हमें ये टारगेट करना है कि हमें सामने मारना है। हमारा जो इंटेंशन है वो सामने की तरफ होना चाहिए कि हमें सामने शॉट को खेलना है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है कि हम कैसे पैर निकालें, तो हमेशा क्या करना है आपको, जो आपका टो है, फ्रंट फुट टो, हमेशा बॉल से पहले लैंड कराना है, ताकि जिससे आपको एलिमिनेशन मिल सके शॉट खेलते टाइम, ठीक है। उसके बाद हमें ध्यान देना है कि जो हमारा शोल्डर है, हम जब नीचे हमें खेलना होता है, हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी डाउन करके रहते हैं, लेकिन जब हमारा इंटेंशन है कि हमें हिट मारना है, सिक्स मारना है, तो हम क्या करना है, अपना बॉडी थोड़ा सा अप रखना है, ऐसे डाउन नहीं करना है, थोड़ा सा अप रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा बैट, जब हमारा बैट आएगा तो जो बैट का ब्लेड है वो हमेशा हैंडल को लीड करेगा, जो आपका बैट है ब्लेड हमेशा आगे को रहेगा और हैंडल पीछे, ठीक है। इससे क्या, जब हम शॉट मारेंगे तो हमें एलिमिनेशन मिलेगा, एयर मिलेगा बॉल को दूर तक मारने में, ठीक है। और तीसरा हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ये बैक शोल्डर है, इसको जल्दी नहीं ओपन करना है ऐसे, अगर आप जल्दी ऐसे कर दिए ओपन तो आपका शॉट इधर को जाएगा, आपका सामने नहीं जाएगा। आपको ये कोशिश करना है कि जल्दी गिराना नहीं है, ठीक है ना, आपको ऐसे ऐसे रखना है पोजीशन, जो आपका हेड है वो बिल्कुल स्टिल होना चाहिए। हेड गिरेगा अगर तो आपकी बॉडी भी डाउन होगी, तो आपको हेड गिराना नहीं है, जो आपका हेड पोजीशन है बिल्कुल स्टिल रखना है खेलते टाइम में ये, ठीक है। अब जैसे ही शॉट आपका कनेक्ट होगा, ठीक है, तो बॉटम हैंड थोड़ा टाइट होगा, ताकि जिससे हम पूरा फॉलो थ्रू कंप्लीट कर सकें, ठीक है। अगर आप इस टेक्निक से, इस स्पीड से खेल रहे हैं तो आपका छक्का बहुत ही इजी जाएगा, ठीक है। आपको इसमें ये फिर से ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेंथ नहीं दिखाना है, आपको स्पीड, आपको अपनी स्पीड तेज करना है, आपका जो फोर आर्म है, जो बैट है, ये तेज चलाना है, ठीक है, तब जाके आपका ये शॉट अच्छा जाएगा और आपका बॉडी बैलेंस बहुत ही अच्छा बनेगा, ठीक है। तो आप वीडियो में कमेंट में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ओके, थैंक यू।